हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आप लोग घर पर पढ़ रहे होंगे। सो आप लोग को अगर कोई भी फीडबैक देना है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें सो डैट मैं उसको क्लियर कर सकूं। आज का हमारा डिस्कशन का चैप्टर होगा क्लास सेवन्थ का 13 चैप्टर मोशन एंड टाइम। यहाँ पर हम पार्ट वन डिस्कस करेंगे जिसमें हम टाइम और उसकी मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आई होप आप सबको समझ में आएगा। कोई डाउट होता है, कुछ फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं। सो हम सभी को पता है, हम अपने डे टू डे वर्क जो होते हैं, जो हमारे डेली वर्क होते हैं, हम उसे एक फिक्स टाइम पर करते हैं। सर्टेन टाइम होता है सभी का, तो उसके लिए हमें टाइम का नॉलेज होना कि क्या समय हो रहा है, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सो डैट हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को टाइम पर कम्प्लीट कर सकें। जैसे कि हमें स्कूल जाना है तो हमें फिक्स पता है ना कि हमें इतने बजे स्कूल पहुंचना है, इस टाइम पे स्कूल की छुट्टी होगी, इस टाइम पे स्कूल का रिसेस होगा, तो ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। तो ये सारे फिक्स टाइमिंग्स और ये जो सर्टेन टाइम हमें पता चलता है हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, वो किस में हेल्पफुल है सो डैट हमारा डेली वर्क जो है वो टाइम पर हम कम्प्लीट कर सके। और हमें इन सब के बारे में पता किससे चलता है, क्लॉक्स और वॉचेस से पता चलता है। लेकिन क्लॉक और वॉच टाइम पे आ गई हैं, एंशिएंट टाइम में लोगों को किससे पता चलता था, तो उस टाइम पे क्लॉक्स और वॉचेस तो नहीं थी, बट लोगों ने क्या किया, अपने जो डेली इवेंट्स हो रहे थे, जो नेचुरल इवेंट्स थे, जो हर फिक्स इंटरवल पर रिपीट हो रहे थे, जैसे कि सनराइज़ होना, सनसेट होना, मून का राइज होना, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसको ध्यान में रखा और वो इससे पता लगाते थे कि क्या समय हो गया है और किस टाइम पे किसको क्या करना है। जैसे कि एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच में जो टाइम होता था उसे वो एक डे काउंट करते थे। आजकल हम एक डे किससे काउंट करते हैं, 24 आवर्स से। 24 आवर्स हो गए, इट मींस कि वन डे कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक, न्यू मून कहने का मतलब होता है अमावस, एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक के बीच का जो टाइम होता था उसके मंथ कहते थे। आजकल हम मंथ किसी और को कहते हैं। इसी तरीके से ईयर, जब सारे सीजन्स चले जाते थे, अर्थ अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती थी, तो उसको वो एक ईयर काउंट करते थे। तो ये कुछ एंशिएंट मेजरमेंट्स थे। इसी तरीके से कुछ डिवाइसेस भी थी जो पुराने टाइम में यूज़ होती थी, जब क्लॉक्स नहीं थी, जब वॉचेस नहीं थी, जैसे सन डायल, जहाँ पर हम सूर्य की किरणों से अंदाजा लगाते थे कि समय कितना हो रहा है, एक दिन का कितना समय बीत चुका है। आप सब अगर जंतर मंतर गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा सीढ़ियों से बना हुआ एक सन डायल है जिससे पता चलता है कि कितना समय बीत चुका है। इसी तरीके से सैंड क्लॉक्स, जिसमें रेत भर दी जाती है तो वो टाइम का पता बताती है कि कैसे कैसे टाइम बीत रहा है। वाटर क्लॉक्स भी होती है। तो ये कुछ एंशिएंट डिवाइसेस थी जो टाइम मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती थी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेजरमेंट ऑफ टाइम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो हमारे पास पुरानी डिवाइसेस थी बट वो बहुत लंबे टाइम के लिए थी, मतलब छोटे यूनिट्स के लिए नहीं थी कि सेकेंड्स और मिनट्स का हम कैसे पता लगाएं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाते थे, तो हमें उसका भी पता लगाना था। तो उसके लिए क्लॉक्स और वॉचेस का इन्वेंशन हुआ। उसको किस पे काम करने के लिए देखा गया कि वो एक पीरियोडिक मोशन के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, मोशन कहने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ उसकी प्लेस में चेंज आ जाना, उसकी लोकेशन में चेंज आ जाना, वही मोशन होता है। अगर हमने पीरियोडिक कहा है, इट मींस कि वो हर थोड़े टाइम बाद अपनी पुरानी जगह पर ज़रूर आएगा। जैसे अगर हम बात करें तो जो घड़ी में सुइयां हैं, जो आर हैंड है, मिनट हैंड्स है, वो हर एक फिक्स टाइम के बाद 12 पर ज़रूर आती हैं, तो वो एक पीरियोडिक मोशन शो कर रही हैं। जो हमारी क्लॉक्स और वॉचेस हैं वो इसी के प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि वो पीरियोडिक मोशन शो करती हैं। अगर हम बात करें सबसे इजी जो हमारे पास डिवाइस है जो हमें इजीली दिखा सकता है पीरियोडिक मोशन, वो होता है सिंपल पेंडुलम,
यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉल लटकी हुई दिखाई दे रही है। इस बॉल को बॉब कहा जाता है। ये एक मेटल की बॉल होती है जिसको कि अगर हम थ्रेड के साथ जब लटका दें, एक रिजिड सपोर्ट कहने का मतलब है जिसे हम हिला नहीं सकते हैं, जो फिक्स है, जो हवा के साथ हिलेगा नहीं, अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करेगा। तो जब वो मूव करेगा, बैक एंड फोर्थ कहने का मतलब है आगे और पीछे की मोशन करना, तो वो फ्रीली जब मूव करेगा तो वो क्या शो करेगा, एक पीरियोडिक मोशन। हर थोड़े टाइम बाद वो अपनी पुरानी जगह पर वापस आ जाएगा। और पेंडुलम की इस मोशन को सबसे पहले किसने नोटिस किया था? गैलीलियो गैलीली ने नोटिस किया था। तो अब आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सभी को सिंपल पेंडुलम का डायग्राम दिख रहा है, एक रिजिड सपोर्ट है जो फिक्स है, इसके बाद पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दिख रहा होगा, और जो वो स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो थ्रेड है, स्ट्रिंग है जिसके साथ बॉब को अटकाया हुआ है। जो डॉटेड लाइंस हैं वो मोशन के जगह है कि जब बॉब मूव करता है तो कहाँ तक मूव करेगा और कहाँ तक उसकी स्ट्रिंग मूव करेगी, तो ये मोशन के लिए है। लेंथ ऑफ पेंडुलम की अगर हम बात करें तो जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो थ्रेड की लेंथ है जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर के बॉब के सेंटर तक का है, दिख रहा होगा सभी को डायग्राम में। इसी तरीके से मेन पोजीशन वो पोजीशन है पेंडुलम की जो कि उसकी फिक्स्ड थी, स्टार्टिंग ओरिजिनल पोजीशन थी बॉब की, वो वहाँ पर रहेगा, जो बी से डिनोट किया हुआ है। एक्सट्रीम पोजीशंस दो हैं, ए और सी, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। जब बॉब मूव करेगा तो वो एक बार ए पे जाएगा और फिर वो सी पर जाएगा, दिख रहा होगा डायग्राम में सभी को एक्सट्रीम पोजीशंस। अब बात करते हैं ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम की। तो ऑसिलेशन कहने का मतलब क्या है कि बॉब जो है, जो बॉल है वो एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर गई और दोबारा वो कहाँ आ गई, अपने पुराने वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया, जैसे ए से मूव करना शुरू किया बॉब ने और दोबारा सी को टच करके वो ए पर आ गई, तो उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो एम्पलीट्यूड क्या है, जब मेन पोजीशन से बॉब ने मूव करना शुरू किया और एक एक्सट्रीम एंड तक पहुंचने में उसको जितना डिस्टेंस उसने कवर किया, जो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे डायग्राम में देखिए, बी से बॉब ने मूव करना शुरू किया मेन पोजीशन पे और वो ए में जितनी दूरी उसने कवर की बी से लेके ए तक में, वो उसका एम्पलीट्यूड हुआ। बी से लेके सी तक भी उसका एम्पलीट्यूड हुआ, तो इस दूरी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। टाइम पीरियड वो टाइम है जो बॉब ने लिया था एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब ए से सी पर गया और दोबारा कहाँ आ गया, ए पर, तो उसने एक क्या किया, ऑसिलेशन कंप्लीट किया। इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसे जितना टाइम लगा वो उसका क्या है, टाइम पीरियड है। तो ये कुछ टर्म्स थी सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स की। तो एक इटालियन साइंटिस्ट थे गैलीलियो गैलीली, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि पेंडुलम कैसे काम कर सकता है और उन्होंने उसके यूज़ को बताया था। हुआ क्या था, एक बार गैलीलियो जो थे वो कैथेड्रल मतलब कि चर्च में बैठे थे, कहाँ के चर्च में, इटली, पीसा, मतलब जो पीसा है वो इटली का ही जगह है, वहाँ बैठे हुए थे वो। उन्होंने देखा शैंडलियर जो था वो सीलिंग से लटका हुआ था, मतलब शैंडलियर यहाँ पे कहने का मतलब है जो झूमर था वो सीलिंग से लटका हुआ था और जिस चेन के साथ वो स्विंग कर रहा था, मतलब हिल रहा था एक जगह से दूसरी जगह, मूव कर रहा था धीरे धीरे, तो उन्होंने उसकी मोशन को गौर किया। अब उस टाइम पे कोई वॉच या क्लॉक तो थी नहीं, तो उन्होंने अपनी पल्स रेट्स को देखा, जो उनकी बीट कर रही थी पल्स, उसको ध्यान में काउंट किया उन्होंने, और ध्यान से देखा उन्होंने तो ये नोटिस किया जितनी भी वो मोशन देख रहे थे, जो टाइम लग रहा था या जिस तरीके से वो जो मोशन हो रही थी स्विंगिंग की, वो एक फिक्स टाइम पर, फिक्स इंटरवल पर हो रही थी और वो दोबारा रिपीट उसी तरीके से हो रही थी। तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि अगर हम किसी पेंडुलम की एक फिक्स लेंथ दे दें तो वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन
करने के लिए हर बार सेम टाइम लेगा, और उसी की वजह से आज पेंडुलम क्लॉक्स का जो डेवलपमेंट हुआ वो देखा जा सकता है। यहाँ पे मैंने पेंडुलम क्लॉक का एक पिक्चर पेस्ट किया हुआ है, जिसको कि आप देख सकते हैं कि पेंडुलम क्लॉक्स में ये जो पेंडुलम मूव करता है, इसका मोशन हर बार जो होता है वो सेम होता है, फिक्स इंटरवल पर होता है। आप सब लोग इसे घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। सो अब अगर हम बात करें जो लेटेस्ट आजकल हम यूज़ करते हैं टाइम के मेजरमेंट के लिए डिवाइसेस, तो वो क्वार्ट्ज क्लॉक्स, क्वार्ट्ज वॉचेस होती हैं। क्वार्ट्ज क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जिसकी खास प्रॉपर्टी है कि जब उसे किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ लगाया जाता है तो वो ऑसिलेट करने लगता है। तो हमने उसकी इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया और हमने उसको इलेक्ट्रिक सेल के साथ लगा करके वॉचेस में और क्लॉक्स में यूज़ करना शुरू किया। तो वॉचेस और क्लॉक्स में जब हम क्वार्ट्ज को एक इलेक्ट्रिक सेल के साथ लगा देंगे तो क्लॉक में क्या होगा, ऑसिलेशन होगा, और उस ऑसिलेशन से हमें टाइम का पता चल जाएगा। इसीलिए आप सबने नोटिस किया होगा जब घड़ी का सेल ख़त्म हो जाता है तो घड़ी चलना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल को सेल से मिलने वाली एनर्जी बंद हो जाती है और वो ऑसिलेशन रोक देता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमें और भी शॉर्ट इंटरवल्स का पता लगाना है, जैसे स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, मिली सेकेंड्स तक का टाइम होता है ना, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या करता है, इसकी जो मेन काम करने की वजह है या जो तरीका है वो ये है कि कोई भी इवेंट अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको शुरू कर सकते हैं, और जैसे ही वो स्टॉप हुआ हम इसको पुश बटन से स्टॉप कर सकते हैं, तो उसके बीच का इंटरवल हमें पता चल जाएगा। स्टॉप वॉच आई थिंक सभी ने यूज़ की होंगी। तो स्टॉप वॉच में एक पुश बटन होता है जो स्टार्ट एंड स्टॉप का काम करता है, तो इससे हमें एग्जैक्ट टाइमिंग्स का पता चल सकता है और बहुत छोटी छोटी टाइमिंग्स जैसे सेकेंड के 10th पार्ट का भी हमें पता चल जाता है। अब अगर हम बात करें टाइम की यूनिट की, तो हर जितनी भी हमारे पास मेजरिंग स्केल्स होते हैं उन सभी की एक यूनिट होती है, जैसे लेंथ के लिए, वेट के लिए यूनिट्स होती है ना, इसी तरीके से टाइम की भी यूनिट है। तो जो टाइम की SI यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है सेकंड, और उसको शॉर्ट फॉर्म में S लिखा जाता है। लार्जर यूनिट्स में मिनट्स और आवर्स आते हैं, जैसे मिनट के लिए MIN, आवर्स के लिए H लिखा जाता है। अब इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होती हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ करके आए हैं। नॉर्मली 60 सेकेंड्स 1 मिनट, 60 मिनट्स 1 आवर, 24 आवर्स 1 डे, 30 डेज 1 मंथ, 12 मंथ्स अ ईयर, 10 ईयर्स इट मींस 1 डिकेड, 100 ईयर्स मतलब कि डिकेड्स की अगर हम बात करें तो अगर 100 ईयर्स हैं तो वो इसका मतलब क्या होगा, 1 सेंचुरी। 1000 ईयर्स हो गए तो उसका मतलब क्या होगा, 1 मिलेनियम। तो ये कुछ टाइम की यूनिट्स थे और उनके कन्वर्जन्स थे। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।